नमस्कार, गुड आफ्टरनून, आप सभी का स्वागत है सुरमई टाइम्स में। मैं हूं सिद्धांत त्रिपाठी एंड राइट नाउ यू आर वॉचिंग ट्रेंडिंग दिस आफ्टरनून। भारत वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला डोमिनिका के विंसर पार्क मैदान पर खेला जा रहा है। मुकाबले का दूसरा दिन भारतीय ओपनर्स के नाम रहा। कप्तान रोहित शर्मा और डेब्यू टेस्ट खेल रहे यशस्वी जायसवाल ने 229 रन की रिकॉर्ड ओपनिंग पार्टनरशिप की। दोनों ओपनर्स ने अपने अपने शतक भी पूरे किए। वेस्ट इंडीज के खिलाफ यशस्वी जायसवाल ने डेब्यू किया और शतक भी जमाया। वे ऐसा करने वाले सत्र में भारतीय बल्लेबाज बने। कप्तान रोहित और जायसवाल की पारियों ने कई रिकॉर्ड्स बनाए। टेस्ट क्रिकेट इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब भारतीय टीम ने बिना विकेट गंवाए पहली पारी में लीड हासिल की। एलन मस्क की ईवी बनाने वाली कंपनी टेस्ला को भारत में कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए सरकार किसी भी प्रकार के टैक्स में छूट नहीं देगी। गुरुवार को रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा ने कहा कि टेस्ला को टैक्स में छूट देने के लिए वित्त मंत्रालय अभी एक्टिव रूप से विचार नहीं कर रहा है। दरअसल बीते दिन खबर आई थी कि टेस्ला भारत सरकार से देश में खुद की सप्लाई चेन स्थापित करने और टैक्स में छूट को लेकर चर्चा कर रही है। इससे पहले पिछले साल भी टेस्ला ने सरकार से पूरी तरह से असेंबल गाड़ियों पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को 100% से घटाकर 40% करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने शिवसेना विधायक सुनील प्रभु की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया कि याचिका में आरोप लगाया गया है कि स्पीकर राहुल नार्वेकर कोर्ट के 11 मई के फैसले के बावजूद जानबूझकर फैसले में देरी कर रहे हैं। यह मामला एकनाथ शिंदे और अन्य शिवसेना विधायकों को अयोग्य घोषित करने से जुड़ा है। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहें सुरमई टाइम्स के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।